बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज की टॉप स्टोरी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तानी करप्शन के खिलाफ जारी करदा रिपोर्ट। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सिदारती निज़ाम के पीछे खलाई मखलूक है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि PDM 23 मार्च को इस्लामाबाद में भी आएगी, ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। इन तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया निगार इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्रिया। इकबाल साहब, जैसे कि आप जानते हैं इशू ऑफ द डे आज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया है, एक रिपोर्ट उसने जारी किया है कि पाकिस्तान की जो करप्शन है वो मज़ीद ऊपर चली गई है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? अच्छा, बात ये दुरुस्त है क्योंकि इस किस्म के अदारे सर्वे करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही मुस्लिम सर्वे पाकिस्तान में होते रहते हैं और कई दफ़ा अच्छे अदारे भी हैं, रिकग्नाइज, लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्क हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जिस जोग्राफी पोजिशन में है, यहाँ सर्वे कोई गैर जानबदार नहीं कभी माने गए। आमतौर पर आप देखते हैं कि भाई जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस रेटिंग में चला गया, तो आज सुबह से आप सारे चैनल को देख रहे हैं, किसी का हाइप क्रिएट हुई है और ख़ासतौर पर एक मखसूस चैनल और मखसूस सियासी पार्टियाँ कर रही हैं कि ये इमरान खान की हुकूमत जो आई थी कि भाई करप्शन को ख़त्म करने के इसके दौर में इन 16 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है इस वक्त 1997 से लेके आज तक कि इससे भी बड़े बदतर हालात रहे हैं। और ये एक उनका एक तरीकाकार होता है, जिस तरह आपने देखा कि अगर पाकिस्तान को FATF में रखना था तो पाकिस्तान में उन्होंने एक ऐसे इशूज को उठाया, चाइल्ड लेबर को उठाया, यानी पोल्यूशन को उठाया, मनी लॉन्ड्रिंग को उठाया, भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो जाती कहाँ है? आप देखेंगे तकरीबन अमेरिका, स्विट्जरलैंड और लंदन में खास तौर पर जितने भी गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों के सरबराहान होते हैं वो उन मुल्कों में करप्शन करके उनके बैंक में पैसा जमा कराते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो वहाँ जा चेक करें और वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अभी हम FATF से नहीं निकले और ये नई चीज, लेकिन चलो इस पर ही बात कर लेते हैं कि कहाँ हुई है ये बात। दुरुस्त है कि करप्शन पाकिस्तान में कभी भी ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैड गवर्नेंस इस हुकूमत की तो कोई क्या ही सोचा कि नहीं है। वो ये है कि जो पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट हैं जहाँ इन पब्लिकों को काम पड़ते हैं, वो आप कह सकते हैं कि पुलिस है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA है, इस तरह के अदारे, उनमें आदमी का इस वक्त मॉनिटरिंग हुकूमत की बड़ी कमज़ोर है और साबका हुकूमत की काफ़ी शाबाश थी, साहब की बेहतर थी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान की हम बात करते हैं कि उसकी हुकूमत में तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं और सिंध में इस वक्त 14 साल चल रहा है पीपल पार्टी को, उसकी करप्शन को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, इस तरह बलोचिस्तान को रखना पड़ेगा, पंजाब में और KP के में चलो PTA की हुकूमत, इसको मैं जानबदार कह सकता हूँ, गैर जानबदार नहीं कहता, क्योंकि अभी मेरे साथ मैं देख रहा था कि 90 अभी जब हमारे दोस्त में प्रोग्राम आए हुए थे कि वो कह रहे थे जी नून लीग का दौर अच्छा था, पीपल पार्टी का दौर अच्छा था, तो आप देखिए 1997 में उन्होंने जो इसी जो है ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ने 52 कंट्रीज का सर्वे किया, उसमें 48 जो थे ना उसमें आप कह सकते हैं कि हम हमारा नंबर 48 में है, इसका मतलब सिर्फ 4 लोग हमसे नीचे थे बिल्कुल। उस रेशियो से अगर आज लगाया जाए तो 180 में से 140 है, ठीक होगा, वो 72 दौर था। उससे भी आगे 1997 में 98 में 85 का सर्वे किया गया, वहाँ 71 पे नंबर था। तो ये ऐसा है, ठीक है, ये कुछ मकासद उनके होते हैं और ये है कि बाहर इसको एक अलार्मिंग पोजीशन लेनी चाहिए, सियासी पार्टियों को इसका हल तलाश करना चाहिए, बस क्रिटिसाइज करने से तो कुछ नहीं होगा। इस वक्त बैड गवर्नेंस की ये है कि अगर सपोज किसी इदारे में कोई करप्शन हो रही है और वो इस तरह की हो रही है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा उसमें मैं ले रहा हूँ या मेरा काम जो है आप ले रहे हैं, तो वो मैन टू मैन है, ये मेगा प्रोजेक्ट्स में नहीं है जो मैटर करे। मेगा प्रोजेक्ट्स को कहते हैं कि अगर कमो बेश एक पूरा अदारा भी छोटे मुलाजम करप्शन कर रहे हों तो वो मैक्सिमम क्या 2 बिलियन के कर लेंगे और आप उसको ये कह सकते हैं कि एक भी जो बाहर के मुल्कों में कोई इंपोर्ट हो रही है, जिस तरह इस गवर्नमेंट के दौर में ये LNG को भर वक्त मुआयदा नहीं किया गया, उसको करप्शन इस सूरत में कहेंगे बेशक किसी ने पैसा ना खाया हो, भर वक्त फैसला नहीं हुआ, या मसलन पेट्रोल के ज़माने में जब सस्ता हुआ तो उन्होंने स्टोर नहीं किया, इस तरह जैसे फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र या गंदम है उसको यानी एक्सपोर्ट
दी जा सकती थी, लेकिन स्मगलिंग हो रही है तो फर्टिलाइजर है उसको इम्पोर्ट नहीं किया गया। तो ये बात दुरुस्त है, जिसे बैड गवर्नेंस कह सकते हैं। करप्शन जो है ये हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। करप्शन दूसरे मुल्कों में भी है, बिल्कुल होती है शाहिद साहब। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पीटीआई हुकूमत है, इसने आने से पहले ये कहा था कि मैं 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर दूंगा। यही बात हुई थी और इसका सबसे बड़ा दावा भी यही था कि मैं सबसे पहले करप्शन को ख़त्म करूंगा। लेकिन उसी के दौर में जो हुक्मरान ये कह रहा है कि मैं ख़त्म करूंगा, वो भी 90 दिन में, उसी के दौर में जो करप्शन है वो तो फिर अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। ये बात कहने को बड़ी आसान है, क्योंकि या तो यहाँ बादशाह है तो कि जब कोई करप्ट आदमी पकड़ा जाए उसे गले में रस्सा डाला और उसे फांसी दे, यहाँ नहीं है। यहाँ बकायदा अदालती निज़ाम है। आपने देखा कि जब जो शुगर माफिया का एक कमीशन बना था तो शुगर माफिया ने उस कोर्ट से स्टे ले लिया और 67 यानी रुपीज पर केजी चीज़ें जो जहांगीर तरीन ने चीनी जो ट्रेडर स्टोर पर खुद बेची रिक्वेस्ट करके, उसने कहा जी मैं 1 रुपया या 2 रुपया रियायत दे रहा हूँ ताकि भी इसको लोगों को मिले, मैं पीट ले। लेकिन कोर्ट्स ने स्टे दे के इतना लंबा किया कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर सिंध हाई कोर्ट में, जब तक चीनी 100 नहीं होगी। हमारे मुल्क में ये जो माफियाज हैं ये बड़े बड़े वकला को, हम ही एहतियात से बात कर सकते, बड़े बड़े वकला को कह के अदालत से स्टे ले लेते हैं। आप मुझे बताइए कि 1 बिलियन एलिगेशन तो आ गया कि 1 बिलियन रुपए की करप्शन हुई है, लेकिन हुई कैसे है? यानी गवर्नमेंट जो है वो अगर करना भी चाहे तो वो दरमियान में जो है अदालतों से लोग स्टे ले लेते हैं। इस वक्त कोई रिकवरी नहीं हो रही, जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ 2 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है और करप्शन के केसेस हैं, टीटीज के हैं, तो जब मुखालिफ पार्टियां कहती हैं इस हुकूमत के खिलाफ, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के जरदारी सब 11 साल के बाद जेल से छूट गए, मेरे से कोई साबित नहीं हुआ, 11 साल तक केस चलेंगे तो गवाह भी मर जाते हैं, रिकॉर्ड जाया हो जाता है, हुकूमत बदल जाती है। तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भी सर्वे हुआ था, उसमें भी हम माशाल्लाह 122 नंबर पर आए हैं, यानी 128 में 122 नंबर पर आए। तो वो भी हम, मैं कम से कम मैं नहीं मानता, मैं पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करता हूँ कि सर्वे फर्क कोई माइंड सेट के तौर पर किया जाता है, कौन से पैरामीटर किए गए हैं, क्या इसमें जो चीज़ें इस वक्त हम 140 नंबर के ऊपर आए हैं उसमें बांग्लादेश भी हमसे पीछे है। आप कह सकते हैं बांग्लादेश को कह सकते हैं वो हमसे पीछे था करप्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको इसमें रखा गया है फॉर सम रीज़न। हालांकि बांग्लादेश इस वक्त कानून में बड़ी ग्रोथ कर रही है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जिसमें जिसके हम साए अफगानिस्तान हो, जिसका दुश्मन इंडिया हो, जिसका अमेरिका के साथ मुस्तकर फड्डा हो, जिसने रूस को निकाला हो, तो ये जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं ये भी कोई इतना ज्यादा लोग नहीं होते, उसमें खासतौर पर पिछले दौर में थे एक थे आदल, यानी उनका नाम था आदल गिलानी, ये पाकिस्तान के नुमाइंदा थे। अब हैरान रहेंगे कि किसी गवर्नमेंट ने उनको मैनेज किया और अच्छी अच्छी रिपोर्ट बनवाई, सर्वे उन्होंने करना था और उसके सर्बिया में उसको सजीर लगा दिया। ये आप कह सकते हैं कि ये भी करप्शन है, जो करप्शन के खिलाफ करप्शन के काफी फॉर्म्स हैं ना, वो खुद बेनिफिशियरी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमेशा ये है कि इसको इसको और पर आए में गवर्नमेंट को रहना चाहिए, बाहर एक रिपोर्ट तो इस पर उसे गौर करना चाहिए, अगर गौर नहीं करेंगे तो उनका ये नारा जो है कि ट्रांसपेरेंसी का, इंसाफ का, तो लोगों को डिलीवर करने का, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। शायद साहब आप बात कर लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो अभी बयान दिया और उनके बयान ने काफ़ी तहलका मचा दिया है। उनका ये कहना है कि सदारती निज़ाम के पीछे कोई खलाई मखलूक है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मौलाना फजलुर रहमान के बयान से तहलका कोई नहीं मचता, क्योंकि वो एक कहते हैं कि भी अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। आपने देखे इससे पहले भी इस्लामाबाद आए थे, और इतफाक ऐसा है कि जब यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान है, उसके दिन की मुनासिबत से इस्लामाबाद में हमेशा से ही परेड होती है, बिल्कुल वो हैवी परेड होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें मतलब पाकिस्तान तकरीबन अपनी दुनिया को दिखाता है कि हमारे पास सिर्फ किस किस्म के असलाह हैं, फिर उसमें दूसरे मुल्कों के मेहमान हमारे आते हैं, एक मुल्क का वजीर आजम आ रहे हैं, और OIC के कमो बेश वज़राए खारजा को मिला के 40-45 मेहमान हमारे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये इख्तलाफ है अपनी जगह, इनको इमरान खान का फेस पसंद नहीं, और बड़े तरीके हैं उनकी, इससे पहले भी इस्लामाबाद आके बैठ के चले गए थे, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे तो ही। अब एन वही उन्होंने टाइम 23 मार्च रखा है, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि उस दिन तमाम रास्ते बंद होंगे, तमाम टैंक उसमें मौजूद होंगे, मेहमान आए होंगे, लेकिन उनका ये रिएक्शनरी उनका बयान ये है कि जब इमरान खान ने वहाँ धरना दिया था, उस वक्त चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहा था, हमने सिखा उठ जाओ, ये नहीं उठा,
क्या तो नेशनल सोच नहीं है किसी की, उसको कहते इमरान खान को उठना चाहिए था, अब इनको भी नहीं आना चाहिए ताकि मुल्क का कोई फेस हो। और दूसरा ये है आप देखें कि मौलाना फजल रहमान जब खराई मखलूक का नाम लेते हैं तो जो उन्होंने 6 मरबे जमीन अलाट करवाई हुई है जी एच के उसे, और फिर वो ललकारते भी हैं, उन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं तकरीबन 2300 मदरसा है जिन 3500 टोटल पाकिस्तान में है, तो वो फंड कहाँ से आते हैं? खलाई मखलूकों से। बिल्कुल, बाकी फंडिंग भी होगी ऐसे ही जाहिर सी बात है, मदरसे तो एक मदरसा नहीं चला सकता। बिल्कुल, जब वो कहते हैं जी अगर नायब मुझे पकड़ने या नोटिस आएगी तो वो मैं उनको निपट लूंगा, वो हिम्मत ही नहीं है। आप देखिए वो हर चीज से टकराना चाहते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान इनके बुजुर्गों ने बनने की मुखालफत की थी, इनसे पाकिस्तानी कौम को अवेयर रहना चाहिए। ये कश्मीर कमेटी के चेयर में रहे हैं 3 दफा और तीनों दफा इन्होंने स्वाइप पैसे लेने का कख नहीं किया, कोई ऐसी किसी जगह रिकॉर्ड में नहीं है। अब वो ऐसी जो मेम्बरान है जब वो यहाँ आके कश्मीर की बात करते हैं, अफगानिस्तान की जो बात करते हैं जहाँ उन्होंने गंदम भिजवाई, हमने हमारे वो भाई हैं बुरा वक्त उनके ऊपर आया हुआ है, उस ऐन दौरान फजल और रहमान जैसे लोगों का आना तो समझ में आता है कि वो उनका तो एजेंडा ये है कि एनपी भी आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये तो क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, भले आगे कितनी भी ग्रुप बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है, पीपल पार्टी को वो कह रहे हैं आए, और मुझे काफी उम्मीद है कि वो नहीं जाएंगे। अगर पीडीएम जो है, पीडीएम के पास अफरादी कुवत नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है, सिर्फ मौलाना फजल और रहमान के पास मदरसों के स्टूडेंट है। हैरान कर बात है कि पूरी दुनिया में बल्कि सऊदी अरब में भी ये एलिमेंट खत्म हो गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ यानी कह सकते हैं कि मजहबी इस किस्म के लोगों ने इस मुआशरे को यरगमाल बनाया हुआ है। आप मुझे बताइए मदरसों में जो लोग बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें रोजी रोटी वहाँ खानी होती है। अच्छा वो तो वो उनको क्या पता कौन सी हुकूमत है। और पिछली दफा जब आए थे तो लोगों का इंटरव्यू किया हमारे चैनल में, तो क्यों आए, उसने कहा हमें तो नहीं पता, हमें तो मौलवी साहब ले गया। मजहब को सियासत के नाम पे यूज करना ना, है कि ये पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किलों से हासिल किया। आज मैं देख रहा था कि वीडियो मौलाना मौदूदी साहब के बेटे की, फारूक हैदर मौदूदी की, वो कह रहा था पाकिस्तान तो हमारी गलती थी बनाया, उसने कहा नहीं आप तो कह रहे थे कि आपके वालिद की गलती थी, मेरी भी गलती है, मैं भी नहीं आना चाहता था, तो फिर आप पाकिस्तान क्यों आए? उन्होंने कहा हमारा जरा पाकिस्तान के नजदीक हमारा वो गाँव मिलता था। अंदाजा करें ये लोग पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की साजिशें करते हैं, उसके देखते भी कि हिंदुस्तान के साथ जूते पड़ रहे हैं ऐसे किस्म के एलिमेंट को, और बड़ी मुश्किल जिंदगी है बेचारे अच्छे मुसलमानों की। बिल्कुल, वहाँ मसलन किसी को, मैं आपको बल्कि याद आ गया कि 62 फेडरल मिनिस्टर हैं इस वक्त इंडिया में, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक स्टेट मिनिस्टर है। मुझे बताइए कि यहाँ आप पाकिस्तान बना है कितने आप मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, सीएसपी हैं, पीसीएस हैं, कारोबार कर रहे हैं। और सिर्फ शाहिद इकबाल साहब ओहदों की बात नहीं है, वहाँ पे आप अपने मजहबी अकायद के मुताबिक जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। अगर हम सिर्फ उसी पहलू को मद्देनजर रखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हासिल करने की वजह से हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि मैं कई दफा कहता हूँ कि ये जो लोग थे कि वहाँ क्यों नहीं जाते, चल जा सकते हैं, और वहाँ अगर जाएं तो यहाँ देखें कि जिस बंदे ने 2.5 मन की बोरी आटे की मजदूरी करी, कन उठाई होगी अपने पेट के ऊपर, और हिंदू की दुकान पर मजदूरी कर रहा होगा, मुसलमान होगा अक्सरियत में, बिल्कुल ऐसा तो इनको कोई शर्म ही नहीं आती मेरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हुए, तमाम किसी जिसका खाते हैं उसी इसमें तो हम किसी आदमी को माफ नहीं करते कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो वो हमारा दुश्मन है, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो जाहिर पाकिस्तानी कौन का दुश्मन है। तो ये इस वक्त तो तक तो यही है कि वो करेंगे, मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि हम सुबह के टाइम जाएंगे, शाम को टाइम जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी बुरी हरकत है, और इसके बाद किया जा सकता था। अब अगर आपका बड़ी स्ट्रीट पावर है अगर, तो नो कॉन्फिडेंस लाएं, रिजाइन दें असम्बली में, नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ लाएं, वो आपके पास सदात पूरी नहीं होती। जब उन्होंने बिल पास करवाना होता है वो करवा लेते हैं, आप लोग जानबूझ के गैर हाजिर होते हैं, फिर आप कहते हैं खराई मखलूक ने वो गायब कर दिया। आप अपने बंदों को पहले उनसे बात करें कि भाई आपके जो लोग MNA हैं वो असम्बली में जब सेशन होता है हुकूमत आप कहते हैं बिल्कुल बुलडोज करके पास करवाती है, तो आप फिर वहाँ गैर हाजिर क्यों होते हैं? ये असल में के मतलब एक ही शेर है कि हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, और देखते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम इशू ऑफ द डे में आज के जो इशू थे उनको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अभी के लिए अपनी मेज़बान रमशा चौधरी को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।